छोटी प्याली या बड़ी प्याली? अरे मैं खुद ही आकर बताती हूँ तुझे। अम्मी, तिलचट्टा। तिलचट्टा? तो वहाँ पे। कहाँ है तिलचट्टा? मजाक सोच रहे तुझे, इतने मेहमान आए हुए हैं घर पे और तू कह रहा है तिलचट्टा है। कहाँ है तिलचट्टा बता मुझे जरा, कहाँ है तिलचट्टा? तिलचट्टा कहाँ है तिलचट्टा? डरा दिया ना बेचारे को, नहीं है कोई तिलचट्टा, तुझे ही दिख रहा है सिर्फ। हाँ, झूठ बोला ना तूने। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अलादीन नाम तो सुना होगा, कान छोड़ दीजिए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उस पे क्यों चिल्ला रहा है? मैंने जीनू को कहा था कि पीछे से बर्तन निकाल कर लिया है। जीनू? अम्मी आप इसे मिल चुकी हैं? अरे मैं तो इसे पहली बार देखकर बहुत डर गई थी, पर ये तो बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है। शुक्रिया अम्मी। अम्मी ये कब से तुम्हारी अम्मी हो गई? तुम इन्हें अम्मी नहीं बुला सकते, इन्हें सिर्फ मैं अम्मी बुला सकता हूँ और कोई नहीं। लेकिन अम्मी ने मुझे इजाजत दी है इन्हें अम्मी बुलाने की। मैं कह रहा हूँ ना। अरे ये भी तो मेरे बेटे जैसा है, इतना शरीफ और नेक बच्चा है, और वो मुझे अम्मी कहे, तुझे क्यों ऐतराज हो रहा है? अम्मी को क्या पता कि ये सीधा साधा इंसान नहीं, मोटा ताजा जिन है। मुझे चिराग सही सलामत शरीफ आदमी तक पहुँचाना है बस। ये ले। नहीं अम्मी मैं बाद में खा लूंगा, आप पहले मेहमानों को दे दीजिए। ये तेरे लिए नहीं है, ये तो मेरे जीनू बेटे के लिए है। मेरे लिए? और हाँ, अब इसे कुछ कहा ना तो तेरे कान फिर लाल कर दूंगी, समझा? अरे अकालादी नाम तो सुना होगा, ये शीर कोरमा बहुत लजीज है, आप भी खाइए ना। लजीज के बच्चे, तुम्हें बाहर रखना मतलब शामत आना। चलो तुम चलो, मैं बताता हूँ तुमको। चलो बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। सुनो तुम यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक कि मैं सारे मेहमानों को भगा ना दूं, तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। जो हुकुम आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, क्या तुम मेरी नाक से मक्खी हटा सकते हो? क्या तुम एक मक्खी भी नहीं हटा सकते? हटा तो सकता हूँ, मगर तुमने हिलने से जो मना किया है। मैंने इस कमरे से तुम्हें हिलने से मना किया है, तुम अपनी जगह से कहीं भी हिल सकते हो। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अब मैं अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा खाऊंगा। बॉसेस मेरी अम्मी है, तुम्हारी अम्मी नहीं। मगर अम्मी ने तो मुझे इजाजत दी है उन्हें अम्मी कहने की। शीर कोरमा। अब हुजूर ये देखिए शहजादी। बेगम, शहजादी का ऐसा सोचना कोई जुर्म नहीं है। आज हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं, तो बगदाद की शहजादी भी एक नई मिसाल कायम कर सकती है। बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो ये नाचीज वजीर कुछ फरमाएं। जीजू को देख कितने चंटे हैं, क्या अपनी शादी की बात खुद ही करेंगे? क्यों ना शहजादी का निकाह किसी ऐसे शख्स से हो जो बगदाद के तख्त को संभाले और शहजादी का भी ख्याल रखे। इस तरीके से शहजादी को आपसे दूर ना जाना पड़े। वजीरे आला की ये नसीहत हमें बेहद पसंद आई। कहीं हो
हुजूर को लेने फरिश्ते तो नहीं आ गए? मतलब अब जीजू के सर पर तक। बेगम रहम कहो मुझ पर। कसम सोने की अशर्फियों की, अब तक तो मुझे शक था, अब वो शक यकीन में बदल गया है। तुम्हारा शक भी बुनियाद है, मैं तो तुम्हें दिल में भी गालियां नहीं देता। खामोश, मैं तुम्हारी नहीं इन शेख साहब की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया कि रुखसार और अलादीन की इस नई नई रईसी के पीछे इस शेख का हाथ है। तभी तो इसे यूं बंद करके रखते हैं जैसे तुम टमाटर बंद करके रखती हो। अब इस शेख पे हुस्न का जादू चलाना ही पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कसम सोने की अशर्फियों की गुलबदन के अब्बू, अब तो यही होगा। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही होगा शेख साहब। हाय 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 हाय, इस फटे जूते जैसी शक्ल पे तो रहम करो। सांसें तो ठीक से चलती नहीं तुम्हारी, जादू क्या खूब चलाओगे? शेख साहब पे हुस्न का जादू चलाएगी हुस्न की मलिका नाज़नीन। बस थोड़ी सी कमजोरी है, वैसे तो बादशाह सलामत एकदम तंदुरुस्त हैं। अफसोस, अफसोस इस बात का है कि ये जरा सी भी कमजोरी क्यों है? लंबे सफर की थकान है, आराम की जरूरत है। देखिएगा आप लोग कुछ काम ना करें। हम तो चाहते हैं बादशाह सलामत कभी कोई काम ना करें। ऊपर वाला बादशाह सलामत को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। हकीम साहब, आप हर पहर आकर बादशाह सलामत की तबीयत की खबर रखेंगे। जो हुकुम वज़ीरे आला। लीजिए। शुक्रिया। अब शहजादी, आंखों से मोती मत गिराइए। आपको कुछ नहीं होगा, जाना आप ठीक हो जाएगी। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। या अल्लाह, कब? हम चाहते हैं जब ऐसा हो तो हमारी बेटी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। वो सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमारी बेटी यास्मीन बनेगी ना? उत्तम, अति उत्तम। शहजादी, बेटी जी। आप हमें कुछ जरूरी बात बताने वाली थी। हाँ अबू, हम आपसे कहें, हम इस वक्त अब्बा हुजूर को और परेशान नहीं कर सकते। अब्बू जान, हम आपसे कहने वाले थे कि हम आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके अब्बू बहुत थक गए हैं, अभी उन्हें सोने दीजिए। जी अम्मी। अब्बू आप आराम फरमाइए, हम थोड़ी देर में वापस हाजिर होते हैं। अपने अब्बू के साथ थोड़ा वक्त और बिता लेती तो अच्छा होता शहजादी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। आज रात वो चिराग हमारे पास होगा और चिराग मिलते ही आपके अब्बा हुजूर ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। ये मेहमान तो यही खोटा गाड़कर बैठ गए हैं। दोस्तों, मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। एक हफ्ते बाद हमारे बेटे का निकाह है, तो ऐसे में हम शहर के नए अमीरों को ना बुलाने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? उम्मीद है अगले हफ्ते आप और आपका बेटा अलादीन हमारे बेटे के निकाह में तशरीफ जरूर लाएंगे।
शुक्रिया आपने हमें बुलाया, हम जरूर आपके बेटे के निकाह में आएंगे। आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए शुक्रिया। अब लगता है बहुत देर हो गई है ना, आप तो समझ ही गए होंगे मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई मेरे भाई, मैं सब समझ गया। मेरा भाई अलादीन चाहता है कि अब आप सबके लिए भी यही गद्दे तकिए लगाए जाए ताकि जिन्हें आराम करना है वो आराम से आराम कर सके, है ना? क्या ना मेरे भाई, ऊपर वाले ने मुझे हुस्न ज्यादा दिया लेकिन समझ थोड़ी सी कम। लेकिन मैं समझ गया, मेरा भाई चाहता है कि अब आप सब रवानगी डाल लें, लेकिन उससे पहले एक एक बार और शीर कुर्मा हो जाए, है ना चाची? हाँ भाई, हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। मेहमान की आरजू सर आंखों पर, अभी लेकर आती हूँ। अम्मी ने शीर कोरमा इतना लजीज बनाया है कि खाने वाला अपनी उंगली क्या दूसरे की भी उंगली चाट जाए। बताइए शेख साहब, कैसा लगा आपको हुस्न का जलवा? ये हुस्न का जलवा नहीं, ये हुस्न का हलवा है, वो भी जला हुआ। आप भी बड़े मजाकिया हैं। ये बताइए, आप जैसा हसीन तरीन नौजवान इस झोपड़े में क्या कर रहा है? आपको तो हमारे दिल में होना चाहिए। अरे मैं साहब के बिल में रह लूं, मगर आपके दिल में नहीं रहूंगा। अरे आप हैं कौन? आप हमें नहीं जानते? नहीं। हम हैं हुस्न की दुनिया की बेताज मलिका। और हम इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका है। मलिका, सुना नहीं क्या? हम हैं मलिका 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 मलिका। अल्लाह अल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। लानत है यहाँ भी गरीबी। अरे शेख साहब, साहब
ओ, कहीं उस जीनू के बच्चे ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? गुलबदन गुलबदन कि ये सब जिनों का जादू है। नहीं नहीं, मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता, मुझे ये तूफान कैसे भी रोकना होगा। चाचा की शीर खुरमे में थोड़े सूखे मेवे चाहिए। हाँ तो एक कटोरी उठा ले यहाँ से, वहाँ मेवे रखे डाल दे, मैं बाकियों को ये खिला कर आती हूँ। अगर आप अब्बास चाचा के शीर खुरमे में ज्यादा मेवा डाल देंगे तो बाकी मेहमानों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। एक काम करिए, आप भी सबके शीर खुरमे में थोड़ा थोड़ा मेवा डाल दीजिए, जायका ही बढ़ जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे, तू मैं अभी डाल कर लाती हूँ। और आराम से कीजिएगा। जिसने भी ये तूफान लाया वही ये तूफान रोक सकता है। ये जिनों का बच्चा कहाँ गया? तोड़ देता, मगर मगर उनका दिल नहीं तोड़ता। हमें तूफान किसी तरीके से रोकना ही होगा। तो रोको जिनू। आओ आओ, मुझे तूफान शुरू करना तो आता है मगर खत्म करना नहीं आता। क्या? अरे अलादीन, किसी मेहमान को जाने मत देना, मैं अभी जल्दी से शीर खुरमा लेकर आ रही हूँ। बेटे कि तुम तुमने मलिका के बारे में सोचकर जादू किया था, इसलिए तूफान आया, क्योंकि मलिका ने तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाया। जिनू, अब तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचकर जादू करो जिससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाई हो, सुकून लाया हो। मेरी अम्मी। अम्मी? जिंदगी कितने भी दर्द कितने भी जख्म दे, अम्मी का नाम लेते ही सारे जख्मों पर मलहम लग जाता है। जिनू, अम्मी के बारे में सोचो, जादू करो। नाम खुदा का बाद में बोलू, पहले बोलू अम्मी जान। दुआ में अगर अम्मी हो
तो बेटा रोके हर तूफान। बेगम 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 पीछा छुटा इससे। उठिए, ठीक हो ना? उठिए उठिए, ठीक हो ना? फूफी आप उठिए। फूफी, अरे कैसे फूफी 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 कहने से क्या होगा? जब तूफान उठा उठा से पटक रहा था तब कहा था। ना जाने ये कैसा तूफान था। चलो चलो भाइयों यहाँ से भागो। देखिए देखिए, नहीं नहीं, रुक जाइए। देखिए वो क्या था ना, अब बाहर खिड़कियाँ खुली हुई थी और बाहर हवा थोड़ी तेज चल रही है, इसलिए ये सब कुछ। थोड़ी? अरे मियाँ हमारे तो बाल ही उड़ गए, ढूंढ रहे मिल नहीं रहे, कहाँ पर इज्जत का पसीना हो गया। चलो यहाँ से चलो। हेलो, नहीं रुक जाइए चाचा, रुक जाइए चाचा, आप आइए ना, आइए आइए। बाप बैठी चाचा, माफ कर दीजिए, अब मैं लाऊंगा ना आपके बाल ढूंढ के, माफ कर दीजिए मुझे। ऐसा तो भाव तो हमने कभी देखा ही नहीं। चलो रुक जाइए। अरे मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, रुक जाइए। ये तूफान नहीं था, कुदरत का कहर था। कहर पहले कहा था आपको, नहीं चलना है हमें इस गद्दार के घर। अरे ऐसे गद्दारों पर ही ऊपर वाले का कहर नाजिर होता है। देखिए मैं मानता हूँ कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप हमारी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते, कोई हक नहीं है आपको। होए होए, बेइज्जती बेइज्जती तो उसकी होती जिसकी कोई इज्जत हो। बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चाल बाज निकली। बस सूफी, अम्मी के बारे में कुछ मत कहिएगा, वरना क्या कर लेगा है? अरे हमें ऐसे गद्दार के घर रुकना ही नहीं है। माफ कर, चलो भाइयों, तो बोलिए, इतनी जोर से बात बोली, रुक जाइए, अम्मी सुन लेंगी। अरे सुनती है तो सुन ले, कौन सा उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। अंदर जाइए ना। मैं तुम दोनों को अपने बेटे की निकाह का दिया दावतनामा खारिज करता हूं, आने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों मां बेटे बगदाद में दाग है दाग, धक्के मारकर बाहर निकालो इन्हें। कीजिए, खबरदार, जो आप किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला तो हमारे घर में खड़े होकर आप हम पर उंगली उठा रहे। हम तो उंगली उठाएंगे मियां, और आवाज उन्हें उठानी चाहिए जिनकी अपनी कोई औकात हो। ये तो ऐसा दहाड़ रहा है जैसे इसका बाप आज भी बादशाह का वजीर हो। बड़े आए इब्ने बतूता खानदान वाले। ठीक है, चाहिए आप लोग चाहिए चाहिए जा सकते हैं आप लोग चाहिए। अलादीन रुक जा, कल सुबह तक हमारी उधारी वापस कर देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? चलो चलो। कसम सोने की अशर्फियों की, आग लगी इन सबकी जबान को। गुल्लू बेटा घर चल और ये भी उठा ले। क्या तूफान था। अबू मर गए क्या? अबू Thank you.
अम्मी 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 दरवाजा खोलिए अम्मी। आप इस घर में थे तो लोगों को कितना फख्र होता था यहाँ आने पर, यहाँ कितनी रौनक थी, कितनी खुशियां थी। मुझे लगा था आज अलादीन को भी उसके हिस्से की खुशियां मिल जाएंगी, जैसे सब उसके अब्बू की इज्जत करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, अलादीन से भी करेंगे। पर उसकी किस्मत में शायद अभी और इम्तिहान लिखे। अम्मी अम्मी दरवाजा खोलिए अम्मी। अम्मी आप भी तो सिखाए ना मुझे कि हमें दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और अच्छा तो हुआ कि वो लोग चले गए। आप अपने हाथों से खाना पका दिए तो उस खाने में अपने आप मोहब्बत मिल जाती है अम्मी। उस मोहब्बत को, उन दुआओं पर इन जैसे लोगों का कोई हक नहीं है अम्मी, कोई हक नहीं है। आपने मुझे रोक लिया, क्यों रोका आपने? आप अगर मुझे नहीं रोकती तो मैं इन सबको सबक सिखाता, वही करता जो आप करती हैं। सबको सबको बकरी की पूंछ से बांधता और बार बार ताली बजाता और उनका चेहरा बीच में लाता। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई अम्मी? हमारा ताल्लुक तो इब्न बतूता के खानदान से है ना अम्मी। अम्मी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। मुफ्त खोरो, क्या हो रहा है? जीजा जी देखिए ना, इतनी मेहनत से मैंने 10,000 अशरफिया गिन कर रखी थी, इसने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बेवकूफ, तुम दोनों को क्या लगा मैं सच में उस काले चोर को 10,000 अशरफियां दे दूंगा? आका, आका मुझे माफ कर दो आका, ये सब मेरी गलती है, मैं नहीं तुमको और अम्मी को। वो मेरी अम्मी है, तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आया है जिनू। मुझे माफ कर दो आका, तुम्हारे माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मुझे एक बार मौका दो आका, मैं अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या कर सकता है तुम्हारा जादू, क्या कर सकता है? सब कुछ। हाँ, जो कुछ भी हुआ उससे मेरी अम्मी का दिल टूटा है, क्या तुम्हारा जादू मेरी अम्मी का दिल जोड़ सकता है? माफ करना आका, मगर ये जादू वादू दिल पर नहीं चलते। तो फिर किस पर चलता है और किस काम के हो तुम और तुम्हारे ये जादू? आका, आका। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें चिराग से बाहर निकाला, तुम इस चिराग के अंदर ही रहने लायक हो। आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मैं घर किसी भी कोने में रह लूंगा, मगर मुझे मुझे चिराग के अंदर मत जाने को कहो, मुझे चिराग में डर लगता है। लेकिन अगर तुम बाहर रहे तो मेरी अम्मी के आंखों से आंसू निकलेंगे, उनका दिल टूटेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जिनू। एक आका होने के नाते मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूं कि तुम इसी वक्त इस चिराग के अंदर चले जाओ। जाओ। जल्दी करो। करता
जैसे ही जिन्हें उस चिराग में वापस जाएगा, ये चिराग ले जाकर मैं उस शरीफ आदमी के हवाले कर दूंगा और अपना इनाम ले लूंगा। ये काले चोर का इनाम है सुबेदार अकबर, इन लोगों को एक नजराना दिखाएं आप। जी हुजूर। मरा नहीं है वो, सिर्फ बेहोश हुआ है। जैसे ही वो काला चोर वो जादुई चिराग तुम लोगों को देगा, बिल्कुल इसी तरतीब से तुम उसे बेहोश करके मेरे पास ले आओगे। अरे मगरमच्छ बहुत भूखे हैं। काले चोर के मरते ही जादुई चिराग का राज राज ही रह जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? चिराग में जा रहा हूँ। तरबूज चम्मच में आ सकता है? नहीं। तो तुम कैसे इसमें आओगे? पता नहीं, जादू करो। जादू? अच्छा करता हूँ। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, चिराग के अंदर जाना है, जीनू को फर्ज निभाना है। आका, चिराग अब बड़ा हो गया, अब हम दोनों इस चिराग के अंदर रह सकते हैं। तुम्हारे इतने बड़े चिराग में रहने से तो अच्छा है कि तुम अपने गले में एक तख्ती टांग लो और लिख लो कि मैं जिन हूँ। सच? नहीं, जाओ और उस चिराग को छोटा करो। चौकुमाका, आते बाते दही चटाके, पैर छोटा पेटू मोटा, चिराग चिराग हो जा छोटा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका देखो, मैंने चिराग छोटा कर दिया। अब जैसे मालिका ने तुम्हें जादू करके इस चिराग के अंदर डाला था, हाँ। वैसे ही जादू करके तुम भी इस चिराग के अंदर जाओ। आका, वो जादू तो सिर्फ मालिका को आता है, मुझे नहीं आता। तुम्हें क्या आता है? तुम कुछ मत करो, तुम ये चिराग मुझे दो। ये लो आका। आका, मेरी नाजुक उंगली इस चिराग में फंस गई है। तुम एक काम करो, तुम इस चिराग को पकड़ो, मैं अपनी वो उंगली बाहर खींचता हूँ। ठीक है। जिन नहीं हो, बर्बादी हो तुम। मगर क्यों डांट रहा है उसे? अम्मी, एक मटका ही तो टूटा है बस। मुझे बचा लो अम्मी। बाहर निकलो। तुम्हें क्या लगता है, तुम अम्मी के पीछे छुप जाओगे तो बच जाओगे? बाहर निकलो। अच्छा, छोड़ उसे। अम्मी आपको पता नहीं है, इस जिनू की वजह से पूरे घर में तूफान आया था और ये दावत ही धज्जियां उड़ गई। हिसाब तो हम मुच्छड़ से लेकर रहेंगे। बगदाद का दुश्मन हमारा दुश्मन। लेकिन उसे रोकने के लिए हमें उसकी अगली चाल का पता लगाना जरूरी है।
पर कैसे? ये काली किताब में सब कुछ पहेलियों में है बस। शहजादी, नहीं 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 नहीं, क्या कर रही है आप? इस टमाटर को अपना निशाना मत बनाइए। एक एक टमाटर बगदाद में मोती के बराबर बिक रहा है। शहजादी, हमें तो ऐसा लगता है कि इस टमाटर के चक्कर में ना जंग छिड़ जाएगी। क्या? हाँ, बगदाद में टमाटर महंगे हो गए और हमें खबर तक नहीं है। अरे, आप शहजादी है, आपको किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। देखिए, अपनी उम्र को सच बताने वाली औरतें मिल जाएंगी, लेकिन ये लाल टमाटर नहीं मिलेंगे। लाल टमाटर, अब समझे। अरे शहजादी, ये मासूम तो एक थूक तक तो मार नहीं सकता, और तू कह रहा है इसकी वजह से तूफान आ गया। मगर अम्मी, गलती मेरी है, मेरी वजह से। जीनू बेटा, तेरी वजह से तूफान कैसे आ सकता है? अम्मी, मेरे हाथों से। हाँ, अपने हाथों से जाकर खिड़की खोल दी और सारी बाहर की हवा अंदर आ गई, इससे तूफान आ गया। इसने कोई खत लिखा था और तूफान को बुलाया था। हाँ, अब आ गया तो आ गया, इस बेचारे इंसान की क्या गलती है? इंसान नहीं है अम्मी। हाँ, ये तो एक मासूम सा फरिश्ता है। अलादीन, जिंदगी में जब तकलीफें आती है तो उनका इल्जाम दूसरों के सर पे नहीं डालते। तकलीफों से लड़ना सीख, हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा। लेकिन मेरी हिम्मत तो आप है अम्मी। बस, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। खाना? वल्ला वल्ला, आ गई गरीबी। इसने पहले ही 10 किलो बिरयानी खा ली और अभी तक एक डकार भी नहीं मारा। इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मान, इसे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। हाँ अम्मी। दीदी, ये खबर देकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शहजादी, हमने आपको बुरी खबर दी है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पिद्दी, तुमने मुच्छड़ की सबसे बड़ी पहेली का खुलासा किया है। क्या? वो कैसे? हम समझ गए, टमाटर के भाव बढ़ने का कारण कोई और नहीं बल्कि ये मुच्छड़ ही है। टमाटर और मुच्छड़? देखो पिद्दी, इस काली किताब में सब कुछ पहेलियों में लिखा है, जैसे कि ये लल्लू को बाजार से उठाकर इस्पानिया भेज दिया जाए। हमें पहले लगा था कि लल्लू किसी इंसान का नाम है, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद हमें पूरा यकीन है कि लल्लू किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि ये लाल टमाटर है। लल्लू टमाटर है, टमाटर को बाजार से उठाकर अब अस्पनिया क्यों भेज रहे हैं? हम तुम्हें बताते हैं। पिद्दी, हमारा शक सही था, इस्पानिया में इस महीने टमाटर मार खेल होता है, इसलिए इस मुच्छड़ ने सोचा होगा कि बगदाद से सारे टमाटर लेकर इस्पानिया में बेच दिए जाए। इतना बड़ा धोखा? यहाँ हमारे लोग भूख से मर रहे हैं और इस मुच्छड़ को बगदाद को बर्बाद करना है। होड़े होड़े मुच्छड़, होड़े होड़े मुच्छड़, होड़े होड़े मुच्छड़। चमन गंजा, बताइए क्या खबर है लल्लू के बगदाद छोड़ के जाने की? जनाब, अभी पता लगाता हूँ। अरे
जनाब, लल्लू का आखिरी गुलदस्ता भी तैयार है। बस अब कुछ ही घंटों में टमाटर के सारे गुलदस्ते जंगल के रास्ते से हिस्पानिया के सफर पर निकल पड़ेंगे। काबिले तारीफ तुम्हारा ये हुनर परिंदों से बात करने का। वाह, तुम जानते हो तुम्हारे इस हुनर की वजह से तुम हमारे कितने काम आते हो। हुजूर, मेरी सारी उम्र जंगल में परिंदों के बीच बीती है, इसीलिए ये हुनर सीख पाया और आज आपके भी काम आ पाया। हमने बादशाह की बादशाही के साथ और साथ टमाटरों को भी कैद कर लिया। बगदाद की आवाम बादशाह को कभी माफ नहीं कर पाएगी। हमने धीरे धीरे बगदाद की आवाम को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बस एक छोटी सी चोट पर आवाम बादशाह की दुश्मन बन जाएगी। वैसे तो आवाम बादशाह सुल्तान के खिलाफ चली जाएंगे। नहीं बिट्टी, इस किताब के हिसाब से आज रात बगदाद से सारे टमाटर इस्पानिया भेज दिए जाएंगे। शहजादी, फिर तो अभी इतला कर देनी चाहिए सुल्तान को। नहीं बिट्टी, अब्बा हुजूर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, हम उन्हें इस वक्त परेशान नहीं कर सकते। और अब हम जो भी करेंगे खुद से करेंगे। पर शहजादी, इसमें तो बहुत खतरा है, और आपको तो ये भी नहीं पता कि सारा माल छुपा के उन लोगों ने कहाँ रखा है। इस्पानिया पहुंचने के लिए बगदाद की सरहद पर एक सरसब्ज है, और ये जो निशान है इसका मतलब है कि एक बहुत ही घना सरसब्ज है जिसका नाम है बेचराग बियाबान। हमें पूरा यकीन है कि वो मुच्छड़ और उसकी पलटन इसी सरसब्ज में अपने काम को अंजाम दे। हमें इसी वक्त वहां जाना होगा। अम्मी मेरा काम देख के बेहद खुश होंगी। रुको रुको, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होता है। वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि मलिका ने तुम्हें चिराग के अंदर कैसे डाला था। अपने बुझते दिमाग पर जोर डालो। आका, उस खौफनाक रात के बारे में सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है। बल्ला बल्ला बीबी, छा गई गरीबी। गरीबी ही तो मिटानी है। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। कम से कम इतनी सी तो बात मान लो मेरी, कोशिश करो, याद करो जिनो, याद करो। जो हुकुम आका, अलादीन नाम तो सुनाऊंगा। करो करो। चलते हैं दुश्मन हमारे एक शहर की आग में। कैद होगा तू हसन आज से इस चिराग में। याद आ गया तुम्हें जादू, याद आ गया। ये मुझे क्या हो रहा है आका, मैं तो और बड़ा हो रहा हूं। अब मैं क्या करूं आका, मुझे बचाओ। फिर से कुछ उल्टा हो गया क्या? इसे नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा घर गिरा देगा। बेटा अलादीन, कहीं अम्मी कमरे में ना आ जाए। इसे नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा घर गिरा देगा। मेरी अकल घास चले गई थी जो मैंने इस पागल हाथी पर भरोसा किया। पागल हाथी, एक ही इंसान जानता है कि पागल हाथी को कैसे काबू में किया जाता है। अम्मी, क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अब कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। अब वो तो बस मैं ऐसे ही कुछ याद आ गया था मुझे। अम्मी,
आपने मुझे वो पागल हाथी वाली कहानी सुनाई थी ना, याद है आपको? हाँ, क्यों? ये आवाज किस? पागल हाथी? अब मतलब वो जीनू है ना, वहाँ पे वो सामान उठा उठा के साफ कर रहा है, तो उसी की आवाज होगी। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर मदद कर उसकी। जाता हूँ। तेरे अब्बू बहुत नायाब थे। एक बार उन्होंने गाना गाकर पागल हाथी को काबू में कर लिया था। हा? उनका कहना था मौसीकी में वो जादू होता है कि किसी भी मुसीबत को काबू में कर सकती है। सच? हाँ, पर तू क्यों पूछ रहा है यहाँ कौन पागल हाथी है? अरे वो है ना। कौन? मतलब मेरा दिल। उसे काबू में करने के लिए मेरे लिए अम्मी, मेरे लिए थोड़ा सा गुनगुना दो अम्मी, 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 मेरी प्यारी अम्मी। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ मेरे औलादीन के लिए। तुमने कमाल कर दिया जीनू बेटा। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? जादू है और नहीं तो क्या? तेरे अबू थे ही जादूगर। बेटे की तुम। अलादीन, ये ले खाना खा ले। और जीनू कहाँ चला गया? जीनू तो गया। क्या मतलब जीनू और मैं साथ में काम करते हैं ना, तो उसे कुछ काम याद आ गया था इसलिए वो चला गया। अब अम्मी मुझे भी निकलना होगा। पर जीनू ऐसे ही बिना खाना खाए चला गया? उसे इतनी तेज भूख लगी थी और उसने कुछ खाया भी नहीं, वापस तो आएगा ना? अम्मी जीनू ने कहा है कि अम्मी जान को प्यार देना और वो अपना काम करने के बाद घर चला जाएगा जो यहाँ से बहुत दूर है, तो उसका यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा। अब आप अपना दिल छोटा मत करिए, आप खाना खा लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी आया। अरे सुन, रात को इस तरह अचानक क्या काम आ गया है तुझे? दावत के चक्कर में मैं ये भूल ही गया था कि किसी को मुझे बहुत जरूरी चीज पहुंचानी है। पर तू तो खाना खा ले, भूख लगी होगी तुझे। अम्मी अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा, वो जिंदगी जिसका मैंने आपसे वादा किया। ऊपर वाले, मेरे अलादीन पर रहमत बनाए रखना। Jump in!
ऐसे हिरन की तरह क्यों दौड़े जा रहे हो? क्या बताऊं हुजूर, वो शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है। ओ, दरोगा साहब तुम्हारे पीछे पड़े हैं? दरोगा साहब नहीं हुजूर, काला चोर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। काला चोर? काला चोर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? ऐसा क्या है इस बस्ते में, दिखाओ। बेटी की तुम, बस्ते में तो काला चोर का लिबास है। दिखाओ। अब क्या दिखाऊं और क्या बताऊं हुजूर की, इस थैले में क्या है? गरीबी है इस थैले में और कुछ नहीं है साहब मेरे पास। वो काला चोर सिर्फ अशरफिया नहीं, कच्चे बनियान भी चुरा लेता है। मेरे पास 4 फटे कच्चे और 3 मेले बनियान है, यही मेरी दौलत है और कुछ नहीं। ये आप देख लीजिए, देखिए आप, थोड़ी बदबू आएगी और कुछ नहीं होगा, देख लीजिए। रहने दो, चाहता हूँ आप देख। रहने दो, क्या आप मेरी करीब? रहने दो। अब देखो, फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वो काला चोर तो क्या, उसका साया भी आ नहीं आ सकता। हुजूर थोड़ा संभल के रहिएगा, सुनने में आया है कि वो बहुत शातिर है, आपसे बातें करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यही काला चोर है। अरे वो गधे उल्लू के पट्टे बेवकूफ होंगे जिनके सामने वो निकल जाता होगा। ये आंखें देखिए, बाज की आंखें हैं, बाज की। वाह वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, काला चोर सबको उल्लू बना सकता है लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप तो बने बनाए उल्लू हैं। तो क्या, मैं तो आज तो हम इस मुच्छड़ को पकड़ के रहेंगे। आज मैं ये लिबास आखिरी बार पहन रहा हूं अम्मी, उसके बाद मुझे आपकी खुशियों के लिए चोरी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही चाचा चाची मुझसे कोई गलत काम करा पाएंगे। बस तो इतना समझ ले अम्मी कि मैं ये चिराग देकर दौलत नहीं, इज्जत खरीद रहा हूं। यहाँ तक चली आई, अपने ख्वाब अपनी जेब में रखो, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे। झूठ झूठ, तुम कह रहे हो कि हम झूठे हैं? हम? गौर से देखो इन आंखों, क्या ये आंखें तुम्हें एक झूठे की आंखें लगती है? नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। देखो रात बहुत हो चुकी है और ये इलाका लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। तुम्हें लगता है कि लड़कियां रात को अकेले बाहर नहीं जा सकती? हम लड़कियों को इतना कमजोर समझा है तुमने? दर्द हो रहा है ना? लड़कियां रोज एक धागे से अपनी भौंहें के बाल निकालती हैं। आगे से एक भी लड़की को तुमने कमजोर कहा ना, तो देख लेना तुम, काट के उल्लू। ए, क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुम हो, लड़कियों को कमजोर समझने वाले बुद्धू, काट के उल्लू। और पता है तुम क्या हो? क्या? तुम्हारी आंखें बिल्ली जैसी हैं, तुम्हारी चाल वो पक 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 मुर्गी जैसी है, और तुम्हारी शक्ल निचोड़े नींबू भी ना तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम अभी इसी वक्त से माफी मांगोगे? अपने ये ख्वाब ना अपनी जेब में रखो। मुझे भी तुमसे ज्यादा जरूरी काम है, समझी? चोर को चोरी के अलावा और क्या जरूरी काम होगा? चोर कहीं के? और तुम जैसे लोगों की भलाई करने जा रही हो, चोर नहीं कहीं की।
काला चोर आएगा तो उस पर नजर रखनी है ना, याद है ना? जैसे वो आएगा हमें ये बोरी उस पर डाल के उसे बेहोश करके जीजू के पास ले जाना है। मेरा इंतजार कर रहे हो? काली चोर आइए आइए, स्वागत है आपका। हम कौन सा आपको पकड़ने आए हैं? इसका मतलब यह है कि हम तो सौदे की बात करने के लिए आए हैं। सही जवाब। चिराग कहाँ है? अशरफिया कहाँ है? तुम हमें चिराग दो, हम तुम्हें अशरफिया दे देंगे। बोलो मंजूर? मंजूर। चिराग कहाँ गया? लड़कियों के कपड़े? तुम बेटे की तुम? ओ, फिर से नहीं। इसे मैं संभालूंगा। इसे तो वहीं पर मैं संभालूंगा। छोड़ियो, तू छोड़, तू छोड़। सुनो, मैं अभी आया, मेरा इंतजार करो। अरे अरे, अपने अशरफियों का दीदार तो कर जाओ। हाँ। आओ। जिदे छोड़, तू छोड़, तू छोड़। कले चोर बचने कहा जाएगा, अब तो मैं तुझे चीजों के हवाले कर दूंगा। मैंने काले चोर को पकड़ लिया। खाला, खाला विद्धि। हाँ अच्छा खाला, मैं आपकी कोई मदद करूं? अरे ध्यान से, माफ कीजिए, वैसे नाज़नीन चाची तो यहाँ नहीं है ना? नहीं, वो यहाँ नहीं है। हाँ चलो शुक्र है। वो क्या है ना, हम उनको वक्त वक्त किराया तो दे देते हैं, लेकिन उनका क्या भरोसा कब क्या मांग के बैठ जाए। नाज़नीन भाभी का तो ऐसे ही है। खाला, हमें आज के बारे में पता चला है, आप बहुत ही भोली है। अभी आगे से आपके साथ किसी ने बदसलूकी की ना, तो आप हमें बताइए, हम सीधा शहजादी को बताएंगे। वो औरतों के खिलाफ ज्यादती करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं करती। कसम सोने की अशरफियों की पिद्दी, ऐसा हरगिज मत करना। दरअसल बात यह है पिद्दी, कि रुखसार की और महल वालों की पुरानी दुश्मनी है। अरे रुखसार के शौहर उमर ने महल वालों के साथ गद्दारी जो। ऐसा जमाने वाले कहते हैं। खाने की खुशबू। खुशबू से तो दिल कर रहा है कि अभी खा जाऊं, पर इसे खाने के लिए नाज़नीन को 2 पैसे का पान थूकना पड़ेगा। वो तो नाज़नीन करेगी नहीं। ले जाऊंगी ये। वैसे खाला, अलादीन का ही नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? वो और वो रईस शेख साहब, वो कहाँ है? वो कोई रईस नहीं है भाभी, अलादीन का दोस्त है जीनू, उसके जैसा ही है बिल्कुल। कसम सोने की अशरफियों, 2 लड़के, दोनों कड़के। फिर ये कर्जा कौन उतारेगा रुखसार? अलादीन उतारेगा भाभी। वो कह रहा था कि एक बहुत बड़ा सौदा तय होने वाला है, वही पूरा करने गया है वो। सुबह तक पता चल ही जाएगा कि कौन सा सौदा तय करने गया है। काम तो अधूरा रह गया, और ये सब कुछ उस काली चोरने की वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी में अंधेरा करके चिराग ले गई। काली चोरनी कहाँ गई? यहाँ से तो 2 रास्ते जाते, एक खंडर की तरफ जहां से मैं आया, तो नकलची चोरनी इस रास्ते पे गई, और ये रास्ता जाता है बेचराग बियाबान।
जंगल के और कितना अंदर जाना होगा? यहाँ लेके आओ, जल्दी काम करो, समय नहीं है हमारे पास। ये आवाजें तो कहीं पास से आ रही हैं। वो जगह है जहां बगदाद के सारे टमाटर जमा किए जा रहे हैं। अब तक तो मैं शर्शना लेके अम्मी के पास पहुंच भी गया होता, कितना नाश करती वो मुझ पर, लेकिन वो नकलची चुरनी मेरे सामने आ गई। ऊपर वाले बचा लेना, इतनी जल्दी मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। ये कैसी आवाज है यहाँ? कहीं वो बंदरिया जंगल की चुड़ैल तो नहीं है, मेरा खून उस चिराग में डालकर पी लेगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी अम्मी की दुआ मेरे साथ है और मैं अपनी अम्मी के लिए किसी भी चुड़ैल से लड़ लूंगा। अगर पूरा गिरोह यहाँ है तो मतलब मुच्छड़ भी हमें यहीं कहीं मिलना चाहिए। अरे खबीज के बच्चों, ताकत लगाओ, रात खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना है। और देखो उनकी शक्लें उनके नामों से मिलती हैं, जैसे ये टकला, इसके सर का चांद देखकर तो ऐसा लगता है कि ये वही टकला है जिसका किताब में जिक्र था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम यही संभाल रहा हो और वो मुछड़िया आई ना। लेकिन इस टकले को कुछ ना कुछ तो पता होगा उस मुच्छड़ के बारे में। हमें इसे गिरफ्तार करना होगा और इसे पूछताछ करनी होगी। उछड़ा चमन आज और उछड़ने वाला है। अच्छा तो ये काली चोरनी यहाँ पे है, लगता है बहुत बड़ा हाथ मारने वाली है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इस मुसीबत के मुंह ही नहीं लगना, नमस्ता लूंगा और यहां से निकल जाऊंगा। चोर है, चोरी करते, ये खून खराबा नहीं करते, गंजों के सर नहीं फोड़ते। उजड़ा चमन सुन ले, मैं खामोश नहीं रहूंगा, मुझे मेरा बस्ता चाहिए, तो मेरा बस्ता दो। खामोश खामोश रहो तुम। क्या क्या? मुझे मेरा बस्ता चाहिए। तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। मैं अपना बस्ता लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाओ यहाँ से,
तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो काली चोरनी, असली काला चोर मैं हूँ और असल नकल से हमेशा बेहतर होता है। काला चोर।